प्लूटो को आज तक हबल स्पेस टेलीस्कोप नहीं देख पाता। नाउ यू विल से कि ऑब्वियसली प्लूटो हमारे सूरज से बहुत दूर है और इतनी कम रोशनी के कारण हम उसे देख नहीं पाते। लेकिन जरा इस इमेज को देखो, ये है इवेंट होराइजन स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई प्लूटो की इमेज, जिसे इवेंट होराइजन स्पेस क्राफ्ट ने प्लूटो से 450,000 किलोमीटर दूर से खींचा था। लेकिन जरा नोटिस करो, ये इमेज कितना ज्यादा क्लियर है, मानो कि ऐसा लगता ही नहीं है कि प्लूटो पर सूरज की लाइट कम पड़ती हो। अब हबल स्पेस टेलीस्कोप में ऐसी क्या कमी है जो इसे वो देख ही नहीं पाती, और क्या प्लूटो के पास कोई एटमॉस्फेयर है जिसमें जिंदगी पनप सके? वेल, आज के इस वीडियो में हम प्लूटो से रिलेटेड ऐसे ही कुछ अनसुने सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, हमारे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने वैसे तो हमें कितने ही बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर के ग्लिम्सेस दिखाए हैं और कई मिस्टीरियस चीजों के इमेजेस भी दी हैं। मगर जब यही इक्विपमेंट्स प्लूटो की तस्वीरें खींचने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की धुंधली सी इमेजेस क्यों दिखाई पड़ती है? क्या प्लूटो को कोई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट करता है जो हमें प्लूटो की हकीकत देखने से रोकता हो, या फिर इसके पीछे कोई और मिस्टीरियस रीजन है? अब ये सवाल इतना पॉपुलर है कि इससे रिलेटेड कई कोरा थ्रेड्स भी मौजूद हैं। मगर इसके जवाब मिलेगा आपको स्पेस टेलीस्कोप और उसके कैमरा इक्विपमेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। देखो, एस्ट्रोनॉमर्स किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को स्पेस टेलीस्कोप से कैप्चर करके उसका डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए कैमरे के हिसाब से इमेज को आर्क मिनट्स और आर्क सेकंड्स की डिग्रीज में डिवाइड कर देते हैं, जिस प्रोसेस को एंगुलर सेपरेशन कहा जाता है। अब देखो, इस यूनिट को आसान भाषा में आप ये मान सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट किसी टेलीस्कोप के इमेज में जितने ज्यादा आर्क मिनट्स या आर्क सेकंड्स का एरिया ऑक्यूपाई करेगा ना, उसकी क्लैरिटी और डिटेलिंग उतनी ही ज्यादा देखने को मिलेगी। और अगर अभी तक आप इसे नहीं समझ पाए तो एक एग्जांपल से समझाता हूं ना। देखो इस वाले इमेज को, जैसे ये औरत कैमरा में जस्ट सामने खड़ी हुई है तो इसके एक एक डिटेल बड़ी क्लियरली हमें समझ में आ रही है। इवन दांतों के बीच का स्पेस भी दिख रहा है। मगर यही अगर हम इस इमेज की बात करें तो हमें इस लड़की को लेकर उतनी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए नहीं क्योंकि ये लड़की पिछली वाली से लंबी है, या इसीलिए क्योंकि कैमरा पिछले वाले से खराब था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसका फेस लास्ट इमेज के कंपैरेटिवली ज्यादा फार्दर है, जिस वजह से इसका फेस उतने पिक्सल्स में नहीं आ पा रहा है जितने पिक्सल्स में लास्ट इमेज का फेस आया था, हेंस मेकिंग इट लेस क्लियरर देन बिफोर। अब प्लूटो के केस में यही प्रिंसिपल लागू होती है। अब देखो, एंड्रोमेडा गैलेक्सी जहां आसमान में धरती से 2 मिलियन लाइट ईयर्स दूर होने के बावजूद 101.92 × 140.76 आर्क मिनट्स के फील्ड ऑफ व्यू को ऑक्यूपाई करती है, वहीं प्लूटो सूरज से ना सिर्फ बहुत ज्यादा दूर है बल्कि उसका साइज भी बहुत ही ज्यादा छोटा है। और इसी मिनिमलिस्टिक साइज की वजह से वो आसमान में सिर्फ और सिर्फ 0.05 आर्क सेकंड्स का दिखता है, यानी एक आर्क सेकंड से भी 20 गुना छोटा। और यही रीजन है कि हमें प्लूटो स्पेस टेलीस्कोप में इतना धुंधला नजर आता है कि उसका कोई फिजिकल फीचर दिखता ही नहीं है, जबकि वहीं गैलेक्सीज की एंगुलैरिटी इतनी वास्ट होती है ना कि हमें उसकी सारी मिनट प्रिसीजन और डिटेल्स साफ साफ नजर आ जाती है। प्लूटो को एक प्लैनेट की पोजीशन से हटाने के बाद कई सालों तक उसे एक इनएक्टिव और डेड प्लैनेट की तरह ट्रीट किया गया। मगर साल 2022 में न्यू होराइजन की टीम ने प्लूटो के क्लियरेस्ट फोटो को एनालाइज करके ये कहा था कि प्लूटो काफी ज्यादा एक्टिव और अलाइव है, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स की प्लूटो को लेकर पूरी परसेप्शन ही बदल गई थी। हाउएवर, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि क्या प्लूटो पर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, या वो भी मैक्सिमम प्लैनेट्स की तरह कम्प्लीटली या ऑलमोस्ट एयरलेस है। वेल, साल 1980s में सबसे पहले ये डिस्कवरी की गई थी कि प्लूटो के पास भी धरती की तरह ही अपना एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, एंड जस्ट लाइक अर्थ वहाँ पर भी मेजॉरिटी ऑफ एटमॉस्फेयर तो नाइट्रोजन से ही भरा पड़ा है। मगर नाइट्रोजन के अलावा यहाँ पर जो गैसेस मौजूद है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, जो अर्थ पर उतनी प्राइमरीली नहीं पाई जाती है। अब इस डेटा की वजह से ना, ये 40 साल पहले ही पता कर लिया गया था कि प्लूटो में एटमॉस्फेयर मौजूद है। मगर जब न्यू होराइजन प्लूटो के पास से गुजरा तो हमें इस कॉम्पोजिशन का एक नया एंगल भी देखने को मिला, जिसके अकॉर्डिंग प्लूटो का एटमॉस्फेयर अर्थ के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा पतला है। अब अगर नंबर्स में बात की जाए ना, तो हमारी धरती का एटमॉस्फेयर हमारे प्लैनेट के रफली 600 किलोमीटर्स ऊपर तक एग्जिस्ट करता है, विच इज अराउंड 10% ऑफ अर्थ रेडियस, जबकि वही प्लूटो का एटमॉस्फेयर उसकी सरफेस से 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर तक फैला हुआ है, विच इज मोर देन 7 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस।
इसी वास्ट वॉल्यूम की वजह से प्लूटो का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा डेंस नहीं है जितना डेंस होने की उसके पास पोटेंशियल थी। इन शॉर्ट कहा जाए तो प्लूटो पर एटमॉस्फेयर तो है मगर इतना डेंस नहीं है कि उससे उसे एक हैबिटेबल या एटमॉस्फेरिकल एक्टिव प्लैनेट के रूप में देखा जा सके और इतना कम भी नहीं है कि उसे एयरलेस डिक्लेयर किया जा सके। अब बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि प्लूटो को उसका नाम असल में एक 11 साल की बच्ची ने दिया था। बात है साल 1930 की, जब 11 साल की वेनेशिया फेयर को पता चला कि सोलर सिस्टम में एक और प्लैनेट की खोज हुई है तो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को 9th प्लैनेट का नाम प्लूटो रखने का सजेशन दिया, इंस्पायर्ड फ्रॉम द ग्रीक गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड प्लूटो। क्योंकि जिस तरह ग्रीक गॉड प्लूटो भी सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्सों में रहा करते थे उसी प्रकार प्लूटो भी सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट हिस्से में खोजा गया था। अब उनके ग्रैंडफादर को भी ये नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जान पहचान वाले को बताया जिसने ये बात और आगे बढ़ाई एंड इन द एंड ये नाम सबको इसीलिए भी अच्छा लग गया क्योंकि इस प्लैनेट का नाम पी और एल से शुरू होता था, गिविंग ए ट्रिब्यूट टू पर्सिवल लोवेल जिन्होंने प्लूटो को खोजने के लिए पूरी जिंदगी दे दी थी। और बस फिर क्या था, 11 साल की बच्ची का सजेशन एक प्लैनेट को उसकी पहचान दे गया और एक हम थे जो 11 साल की उम्र में भगवान से डोरेमोन वाली टाइम मशीन और बेन 10 की ओमनीट्रिक्स मांग रहे थे। दोस्तों क्या आपको पता है कि प्लूटो शायद आज भी एक ग्रह होता और कोई उस पर ऑब्जेक्शन उठाता ही नहीं अगर इस एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की खोज नहीं होती तो। दरअसल बहुत से लोग प्लूटो के छोटे साइज को उसके ड्वार्फ प्लैनेट में डिमोशन का सोल रीजन मानते हैं मगर ऐसा नहीं है। दरअसल जैसे जैसे 90s के बाद से नेपच्यून के बियॉन्ड एग्जिस्ट करने वाले ऑब्जेक्ट्स की खोज हो रही थी वैसे वैसे ढेर सारे और भी प्लूटो लाइक ऑब्जेक्ट्स की खोज हो रही थी लाइक सीरेस, एरेस, होमिया, माके माके एंड मेनी मोर। और इससे वैज्ञानिकों के आगे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। अब समस्या सिर्फ एक थी और वो भी सिंपली ये कि प्लूटो यूनिक नहीं था, प्लूटो में उन ऑब्जेक्ट से अलग कुछ था ही नहीं कि प्लूटो को वो स्पेशल स्टेटस मिले और बाकियों को ना मिले, जिस वजह से सिर्फ प्लैनेट्स की संख्या को बैलेंस और मिनिमाइज करने के लिए कुछ स्पेशल सेट ऑफ रूल्स को मॉडिफाई किया गया किसी ऑब्जेक्ट के प्लैनेट डिक्लेरेशन के लिए। और उसी की वजह से आज प्लैनेट की पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं 8 पे ही अटकी हुई है वरना जितने ड्वार्फ प्लैनेट्स बीते कुछ समय में खोजे गए हैं ना अब तक करीब 2 दर्जन प्लैनेट्स तो हम नर्सरी वालों को आराम से पढ़ा रहे होते। अब दोस्तों जरा इस वीडियो को देखिए, इसमें आप देख सकते होंगे कि जिस तरह कोई मून किसी प्लैनेट के अराउंड मूव करता है ना ठीक उसी तरह शैरोन और प्लूटो भी एक पॉइंट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। अब कुछ लोगों ने हमें ये वीडियो भेजा और ये क्वेरी रेज की कि क्या प्लूटो भी किसी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के चक्कर काटता रहता है जिसे अभी हम अपनी टेक्नोलॉजी के लिमिटेशंस की वजह से नहीं देख पाते। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग अभी भी ऐसे होंगे जो इसे समझ नहीं पाए होंगे जबकि हम इस कॉन्सेप्ट को कई बार प्रीवियसली एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। तो देखो दरअसल होता क्या है कि जब दो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स वाले ऑब्जेक्ट एक दूसरे से ग्रेविटेशनली लिंक्ड होते हैं ना तो वो दोनों ही एक दूसरे पर अपनी तरफ से अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते रहते हैं। अब अगर यहाँ पर ये इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता तो प्लैनेट के रोटेशनल पाथ पर इतना इफेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थ में मून की ग्रेविटी की वजह से कोई मेजर ऑर्बिटल चेंजेस नहीं होती है मगर हमारे समुद्रों में टाइड्स जरूर देखने को मिलती है। हालांकि प्लूटो और शैरन का ग्रेविटेशनल रिलेशन इस तरह नहीं है। अब देखो जिस तरह प्लूटो शैरन को अपने चारों तरफ घुमाता है ना ठीक उसी तरह शैरन भी प्लूटो को अपनी तरफ हैविली अट्रैक्ट करता है जिसके कारण प्लूटो भी अपने यूजुअल सेंटर से डिविएट होकर उस पॉइंट के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगता है। इस पॉइंट को एस्ट्रोनॉमी की भाषा में बैरी सेंटर के नाम से जाना जाता है और यही चीज हमारे सोलर सिस्टम में भी देखी जाती है इन रिलेशन बिटवीन जुपिटर एंड सन। दरअसल जिस तरह सूरज अपने चारों तरफ प्लैनेट से रेवोल्यूशन करवाता है उसी तरह जुपिटर सूर्य के सेंटर ऑफ मास को अपनी ग्रेविटी की मदद से अपनी तरफ भी अट्रैक्ट करता है जिस वजह से सूरज के सेंटर से करीब 1.07 सोलर रेडियाई दूर एक ऐसा पॉइंट क्रिएट होता है जो जुपिटर और सन दोनों के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से दोनों ही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को अपने चारों ओर घुमाता है और इसी पॉइंट को सोलर सिस्टम का बैरी सेंटर कहा जाता है जिसके चारों तरफ जुपिटर तो क्या हमारा सूरज खुद भी चक्कर काटता रहता है। हालांकि जाते जाते एक सवाल और वो ये कि प्लूटो के कितने मून्स हैं और उनके नाम क्या क्या है, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। देखते हैं कि आप में से कितने लोग सच में एस्ट्रोफाइल्स हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।